गाइस, फाइनली Samsung Galaxy M44 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और हमारे सामने इसकी कुछ हल्की फुल्की स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड डिटेल्स निकल के आ चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्टोनिक्स YouTube चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपके सामने है यहाँ पर Galaxy M44 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कोई फाइनल डिजाइन नहीं है, लेकिन 95% आपको ये स्मार्टफोन ऐसा ही दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर Samsung अपने सारे स्मार्टफोन्स के अंदर एक सिग्नेचर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर आपको एक ही इक्वल डिजाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप और सिंगल LED फ्लैशलाइट आपको बैक साइड में देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक का फ्रेम होगा, प्लास्टिक का बैक होगा, ग्लास आपको फ्रंट मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले साइज की। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का सुपर AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, 1000x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन। साथ में यहाँ पर आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वीडियो कंटेंट्स के अंदर कहीं पर भी कोई लैग और प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप एक्सपीरियंस करवाएंगे। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर परफॉर्मेंस डिस्प्ले की काफी बेहतरीन होने वाली है, काफी स्मूथ रहने वाली है। वहीं पर आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले के अंदर 32 मेगापिक्सल या फिर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा सेटअप की। दोस्तों, तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिल सकता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ लेंस में से एक आपको देखने को मिल सकता है। साथ में सिंगल LED फ्लैश लाइट और यहाँ पर आप 4K at 30 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल में से तो एक कैमरा देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर भी आप 4K 30 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे चिपसेट की। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G सपोर्टेबल होगा, जहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अपने टाइम का एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट रह चुका है। वही बात कर ले यहाँ पे रैम और स्टोरेज की। दोस्तों, तो बेसिक वेरिएंट आपको 8GB से देखने को मिल सकता है, साथ में यहाँ पर आपको 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। ड्यूल सिम ये स्मार्टफोन होगा। यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर आप 2 SIM यूज कर सकते हैं या फिर एक सिंगल सिम या एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। सैमसंग का One UI 6 भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले टाइम पे आपको एंड्रॉइड 14 वर्जन भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस के साथ में। सेंसर्स की बात किया दोस्तों, तो अभी कंफर्म नहीं कि आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले सेंसर देखने को मिलेगा या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। दोनों में से जो भी होगा हमारे लिए बेस्ट होगा। साथ में यहाँ पर आपको फेस अनलॉकिंग ऑप्शन, पैटर्न लॉक ऑप्शन, सारे ही फीचर्स आपको सेंसर्स यहाँ पर एक्टिवेटेड देखने को मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात किया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट, नीचे की तरफ 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ड्यूल सिम की ट्रे देखने को मिल जाएगी और राइट साइड में आपको एक वॉल्यूम रॉकर और फोन को लॉक अनलॉक करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए Samsung Galaxy M44 5G स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों, तो हाल फिलहाल ये अभी लीक्स है, 80% आपको कुछ चीजें इसमें से देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्चिंग डेट की। तो पहला वेरिएंट आपको 6GB प्लस 128GB का भी देखने को मिल सकता है, उसके बाद आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के इसकी स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं। तो समवेयर अराउंड मेरे हिसाब से ये 23-25 के बीच में इसका बेसिक वेरिएंट स्टार्ट होने वाला है, और जैसा आप वेरिएंट लेंगे उसके हिसाब से आपके सामने प्राइस होने वाली है। सो हाल फिलहाल ये सारी चीजें थी जो हमारे सामने लीक होकर आई है और आपके सामने हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। साथ में ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स। टेक केयर। जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।